जो वेद जी का अध्यक्ष पढ़ता था अखबार में, ये कई मंडियों में गए थे, तो एमएसपी पाखंड है। अब चूंकि मैं नेपाल के किनारे बीच में लड़ता हूं, तो कई वहां है ही नहीं खरीद का वहां। ये दिल्ली के आसपास जो है वो खास करके जो हरियाणा और पंजाब है, थोड़ा बहुत आपके घर से जुड़ी है, बस अरे लोग गेहूं चावल के हिंदा फिर वहां का आगे खरीदते नहीं जाए। हाँ वो है, अरे व्यापक व्यय जो है वो जो सुझाव दिया है लोगों ने, तो जो मांग मान ली जाए, ये भी आंदोलन का एक प्रैक्टिस हो सकती तरीका हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बैठेंगे, आप लोग बैठोगे और पार्टियों के सब लोग यहां आए हैं, तो ये 70 वर्ष की इतने लंबे दौर में एक नए आपके पुरुषार्थ से ये नई चीज हो गई, यहां सभी लोग पार्टी के लोग आए। तो मेरी आपसे भी विनती है, ये जो बैलेट पेपर है, ये बैलेट पेपर ही हर तरह की दिक्कत को दूर करने का हथियार है। इससे दूर मत जाओ, ये ठीक होगा तो हम ठीक हो जाए, ये गड़बड़ है, इसलिए ये जो बैलेट पेपर है बिरादरी मजब और उनकी ये फिर भी चर्चा है, तो सारे साथियों ने कहा, सब लोगों ने सहयोग और समर्थन करने की आज बात रखी है। लेकिन किसानों के बीच में एक बड़ा मुद्दा यह है कि ये जात भी बांटती है, और अभी ये जो सरकार बनी है ये तो धर्म भी, इसमें धर्म के नाम पर भी बड़े व्यापक पैमाने पर, तो एक बात इसमें हम लोग तय करें कि कहीं दंगा चल रहा है, कहीं भी दंगा होगा तो फिर किसान आंदोलन के लोग जो है वो इसको रोकेंगे। रोकने का तरीका क्या होगा, मुझे मैं जो बात कह रहा हूं आपसे जुड़ी हुई बात है, यानी दो बड़े हिस्से आपके, दो चाहे वो आप उसको हिंदू कहिए, इस्लाम कहिए, मुसलमान कहिए, तो इनकी सबसे बड़ी जो है वो हमारे सब मुद्दे मारने का ये हथियार बड़ा पाए। आपने देखा होगा कि अभी बंगाल में जो आदमी राम का भजन कीर्तन कर रहे थे, आपका बिहार में कौन सी जगह 7 जगह हो गया, तो ये सब चीज हमारी एक तरह से देसी कावत ग्रुप को बढ़ जाती, तो ये भी बड़ी बात है, बड़ी चीज है कि हम लोग ये जो इन्होंने हथियार बना के रखा है, हम सब लोग बैठे हैं यहां, लेकिन हम किसान ही रहे, हिंदू मुसलमान या ईसाई ना हो, ये भी सबक हमको सदैव देते रहे, यदि नहीं देंगे तो ये मांग भी, और ये आपका जो बिल है ये बहुत मुश्किल खेल, ऐसे ही मुश्किल है, लेकिन यदि मान लो समाज प्रक्रिया में बंटवारे में रहेगा तो मैं नहीं मानता कि एक तो बात ये है कि बड़ी भारी बात है कि ये आप जो पार्टियां हैं और जो किसान संघ है, तो संसद है और सड़क है, संसद है और खेत है, संसद है और फसल है, संसद है और किसान की नाचारी बेमची और गुर्बत, ये बगैर न जुड़े फिर नहीं बन सकता, इनके बगैर जुड़े फिर नहीं बन सकता। इसलिए मेरा आपसे सबसे कहना है कि राजनीतिक लोग जो है हो सकता है अच्छे बुरे क्या है कहने को, तो हमारे यहां कहावत है कि जस राजा तस प्रजा, अब उसको पकड़ दो, जैसी प्रजा है वैसे ही पार्टियां हैं, वैसे ही मेंबर है, और उसमें आप अच्छे बुरे भी हैं, आदर्शवादी लोग भी, तो निश्चित तौर पर जो है वो आज मैं इतिहास का तो नहीं कहूंगा, एक बड़ी पहल हो गई, इस पहल को जारी रखिए। पिछली बार आप आए थे, मैं आपसे कहूं आप लोग बैठे हुए समन्वय समिति के सभी लोग बैठे, तो सारे लोग खतर बैठे, सब लोग चाहते थे कि आपका जो आंदोलन था उसमें आकर के जान,
चला हुआ पार्टी का जो है वो बैलेट पेपर है। ये बैलेट पेपर जो है हिन्दुस्तान के आज का इंजन है, इससे दूर क्यों भागना, इसे ठीक नहीं करोगे तो किसान का मामला ठीक नहीं होगा। तो मेरा आपसे कहना कि आज आपने और जितना हो सके जो लोकसभा के लोग हैं, मेंबर हैं, राज्यसभा के हैं, जुड़े हुए लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, उनको उनको शरीक रखना चाहिए। वो अच्छे हैं बुरे हैं वो आपकी निगाह है, अच्छे को जानते हैं आपकी कौन क्या है, तो जो संभव हो सके उनको साथ लेकर चलना चाहिए। और आज बड़ी पहल कि आप अपनी बात को रखिए, वो सबने कहा कि हम ये इस बिल के हक में अब ये भी मामूली नहीं, आपने जो समस्या जो बिल रखा है ये मामूली चीज नहीं है, ये मुल्क की यानी एक तरह से कायाकल्प कर देगा ऐसा बिल। और ये भी नहीं है, कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि ट्रांसजेंडर भी होता है, एक बिल था जो प्राइवेट मेंबर का बिल था, जो शिवा अभी कभी मोदी बोल रही थी ना, तो ट्रांसजेंडर का जो बिल है वो यूनानिमस पास हो चुका, प्राइवेट बिल था, लेकिन वो तो आसान है, ये तो यानी इतनी कठिन चीज है इसमें तो जोर लग गया। और जोर के लिए सिलसिला है, जैसे आज एक आज एक पहल आपने की, आगे बहुत पहल करेंगे, लेकिन एक सुझाव बहुत अच्छा आया है कि किसान के लिए उसकी हालत बहुत यानी हिन्दुस्तान का वो बहुसंख्यक उसकी हालत बहुत खराब है, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। आपके आखिर को चुनाव है तो ये बात मान जो है ये जो बात सुझाव आया है तो इस बिल पर बहस हो या किसान की हालत पर बहस करने के लिए आप पार्लियामेंट का सेशन बनाइए, पार्लियामेंट का बनाइए, आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का बुलाइए, 10 दिन से तो 5 दिन हो जाते, मामूली बैठे होंगे। आप सबका आप सब लोगों को बुलाया, इसके लिए आपका सबका बहुत आभार मानते हैं। और आपका जो आंदोलन है उसे और बढ़ाइए, और निश्चित तौर पर जो सड़क है, जो खेत है, उसे और लोकसभा को संसद को जोड़ने का काम करके वो ठीक रहेगा, वो आगे आपको आगे